सभी प्रिय छात्रों का आज के इस लाइव क्लास में स्वागत है। आप सभी छात्र सभी ग्रुप में सभी मित्रों के पास आज के इस लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी छात्र जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और आज के इस लाइव क्लास का पूरा आनंद उठा सकें। तो सभी लोग जल्द से जल्द सभी ग्रुपों में भेजें और एक दूसरे से जुड़ें। आज का जो ये क्लास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये आपका ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर आप फंडामेंटल आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं और सॉयल साइंस में भी पढ़ते हैं। तो ये क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के दृष्टिकोण से और कहते जो सिक्स सेमेस्टर के दृष्टिकोण से दोनों ही क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल सिक्स सेमेस्टर क्लास में थोड़ा सा आपको जानकारी दी थी कि ऑर्गेनिक मैन्योर है क्या। तो आज के इस लाइव क्लास में आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है। आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और जुड़ करके और आप सब इस लाइव क्लास का पूरा आनंद उठाइए। आप सभी अपने मित्रों से भी अपने मित्रों को भी जोड़िए और उसे कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे के पास शेयर करते रहें, क्योंकि ये शिक्षा जितना बांटेंगे उतना ही आएगा। तो बांटने की ज़रूरत है और आपसे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, आपसे केवल यही कहा जा रहा है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर इसको विस्तृत करने का कोशिश करें। तो बेटा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक मैन्योर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैन्योर होता क्या है, मैन्योर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो होता क्या है कि पशु पक्षियों के मलमूत्र, उनके मृत शरीर या आम पर उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों के अवशेष, उद्योगों से निकली हुई जो भी कार्बनिक कचड़े हैं, जो भी उत्पाद हैं या जीवाश्म हैं, इन सब को सराग लाकर जो तैयार करते हैं उन्हीं को कार्बनिक खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक खाद। घर का निकला हुआ कूड़ा करकट, पशुओं का मलमूत्र, पशुओं का बिछावन, उसके बाद में फसलों का अवशेष, पेड़ पौधों की पत्तियां, इन सबको सड़ाग लाकर जो तैयार किया जाता है उसी को मैन्योर कहते हैं, उसी को हम खाद कहते हैं। मैन्योर को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद। तो इस तरीके से ये आपका ऑर्गेनिक मैन्योर मींस कार्बनिक खाद। तो इस तरीके से कार्बनिक खाद का कुछ महत्व आपको कल बताया था। जैसे कार्बनिक खाद का महत्व क्या है कि कार्बनिक खाद से पोषक तत्व तो धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। भले ही इसमें बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन लगभग सभी प्रकार के तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। और कार्बनिक खाद अगर आप एक बार डाल देते हैं तो उसका प्रभाव लगभग 2 से 3 वर्ष तक रहता है। 2 से 3 वर्ष तक एक बार डालने से उसका प्रभाव बना रहता है। तो यह भी एक इसके लिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं। और इसके प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों गुणों की स्थिति सही रहती है। एक पॉइंट ये भी है, इसका अगर प्रयोग करते हैं तो इससे मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों दशाएं सही रहती हैं, पॉइंट ये है। और इस तरीके से इसमें सभी प्रकार के जो भी अनावश्यक कार्बनिक पदार्थों सबसे सड़ा गला करके इसको तैयार कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि नेचर का इको फ्रेंडली है। और जिस तरीके से इसे किसी प्रकार का इस खाद से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना है। हालांकि जो प्रदूषण फैलाने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उन वेस्ट का सही तरीके से खेती के रूप में, पोषक तत्व के रूप में उनका उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका ऑर्गेनिक मैन्योर इसे कहते हैं। इसमें बेटा दो प्रकार से आपको लिखा है कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो बल मात्रा में, जिनका मात्रा अधिक हो, जिनका आयतन अधिक हो, मतलब कि वह खादें जिनमें पोषक तत्व की मात्रा भले ही कम हो लेकिन उसका आयतन जो उसका जीवाश्म पदार्थ है वो उसमें ज़्यादा होता है, तो उसको हम बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देखते हो, FYM हार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम गोबर की खाद कहते हैं, इसमें आपका एनिमल मैन्योर आता है,
इसमें आपका ग्रीन मैन्यूर आता है, इसमें आपका कंपोस्ट आता है और इसमें आपका वर्मी कंपोस्ट आता है। ये सब बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा बात आपका है कि कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, कंसंट्रेटेड सांद्रित, मतलब ऐसा कहना है कि कंसंट्रेटेड कि वह कार्बनिक खादें जिनमें पोषक तत्व तो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर की अपेक्षा उसका आयतन क्या होता है, कम होता है, मतलब इसमें पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं लेकिन उसका जो बल्कि तो उसका आयतन वो कम होता है। अब इसमें आपका विभिन्न प्रकार के ऑयलसीड केक, जितने भी केक होते हैं ये सब इसमें आते हैं, जैसे मूंगफली का केक, हड्डी का चूरा, इसमें बोन मील, ब्लड मील, ये सब इसमें, और उसके बाद में फिर हड्डी का चूर या कह सकते हैं कि सिंह का, ये सब के, या मछली का फिश मील, तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के ये सब भाग जो ये कंसंट्रेटेड में आते हैं। इसमें जो भी सोयाबीन या मूंगफली, ये सब के भी डेबल जो केक्स होते हैं ये भी इसमें मुख्य तौर पर आते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग एक एक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले फार्मयार्ड मैन्योर क्या है। फार्मयार्ड मैन्योर जिसको हम गोबर की खाद कहते हैं, तो फार्मयार्ड मैन्योर और उसके बाद में गोबर की खाद और कंपोस्ट में यही अंतर होता है कि फार्मयार्ड मैन्योर में क्या आता है, पशुओं से संबंधित, जैसे पशुओं का मल है, पशु का मल है, पशु का मूत्र है और पशुओं का क्या है, बिछावन है, ये सब इस सब को सलाकला कर तैयार करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, जफाइयम होता है। इसे क्या कहते हैं, जफाइयम कहते हैं। इसमें प्रमुख तौर पर कि पशुओं का जो भी बचा हुआ चारा वो भी इसी में आता है, जो पशुओं के नीचे आए पशुओं जो खाते हैं उसमें जो बचा हुआ जो चारा है वो भी इसी के अंतर्गत, मीन्स जफाइयम के अंतर्गत आता है। मल, मूत्र, बिछावन और बचा हुआ चारा, इन सबको सिला गला कर तैयार कर देते हैं, तो ये आपका क्या होता है बेटा, इसी को हम बोलते हैं जफाइयम। क्या बोलते हैं, जफाइयम, या इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गोबर की खाद। इसी को हिंदी में कहते हैं गोबर की खाद, गोबर की खाद के रूप में भी इसको माना जाता है कि जो गोबर के खाद के रूप में इसको प्रमुख तौर पर उपयोग कर लिया जाता है, तो ये बेटा आपका गोबर का खाद हो जाता है। अब इसमें और इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जान लें, लगभग फसलों के लिए 10 से 20 टन, अगर आप 10 से 20 टन तक इसका उपयोग कर देते हैं तो बड़े आराम से हेक्टेयर के लिए ये इतना पर्याप्त डोज होता है। और एक चीज़ इसमें है कि कभी भी खाद का जो उपयोग करें वो बुआई के एक महीने पहले करें। क्या करें कि बुआई के एक महीने पहले ही खाद का उपयोग कर लें, जिससे वो इजी अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो करके और हमारे सॉइल में अच्छे तरीके से मिल जाए। और इसमें जो सड़ने का समय लगता है, जो आप सड़ाएं, ये सबको मिला करके सड़ाएं, उस पर लगभग एक से तीन मंथ का समय लगता है, जिससे वो अच्छे तरीके से सड़ जाता है। और एक चीज़ ये भी होता है कि क्षारीय मृदा का पीएच कम करने के लिए भी इसका एक बहुत अच्छे तरीके से उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें एक आपको और हम बता दें, इसमें एनपीके कितना होगा, एनपीके इसका याद करने का बड़ा अच्छा फार्मूला, 88, 94, 88, मतलब 0.5% इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, इसमें 0.25% क्या हो जाएगा, इसमें आपका फास्फोरस, और इसमें 0.5% क्या हो जाएगा, पोटास। तो ये तीन चीज इसमें प्रमुख तौर पर पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, 88, 94 और 88, ये भी आप इसमें याद कर सकते हैं, एक अच्छा स्टोरी होता है। तो ये हो गया, वही आपका एनिमल मैन्योर, मतलब आपका यूरिया या गोबर की खाद के रूप में। अगला आपका होता है ग्रीन मैन्योर, कि ग्रीन मैन्योर क्या है, हरी खाद क्या है। वैसे हम हरी खाद पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा, अभी बहुत ज़्यादा इस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ग्रीन मैन्योर क्या है।
हरी खाद किसे कहते हैं और हरी खाद में क्या क्या आता है। होता क्या है कि जब हम जिसका डिस्ट्रक्टिव ग्रोथ जिन फसलों का ज़्यादा होता है, खास करके हम कह सकते हैं कि जो आपके दलहनी पौधे हों उनको हम फूल आने से पहले ही मिट्टी में दबा देते हैं, तो उसी को हम ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, स्पष्ट हो जाए कि जो भी खेत में खड़ी दलहनी फसलों जो भी दलहनी हों उनको फूल आने से पहले ही खेत में जोत कर मिला देते हैं, उसी को हम ग्रीन मैन्योर और उसको मिलाने की क्रिया को ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका जैसे सनई, ढेंचा और उड़द, मूंग, लोबिया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन सभी फसलों का इसमें अच्छे तरीके से उपयोग कर लिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ढेंचे का या सनई का, दो फसलों का सबसे ज़्यादा उपयोग, या कह सकते हैं कि सबसे उपयुक्त ग्रीन मैन्योर की कौन सी फसलें हैं, तो यही आपकी है जो सनई और ढेंचा। इसके साथ आपको बताया कि दलहनी में जैसे लोबिया है, उड़द है, मूंग है, इन सबको जैसे आपको यहाँ पर दिया गया कि लॉन्ग टर्म ग्रीन मैन्योर और इसके लिए समर विंटर, इस समय वही चीज़ आप अच्छे तरीके से उड़द और मूंग लोबिया इन सबका उपयोग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लगभग जो इसका ड्यूरेशन होता है वो लगभग 45 से 50 दिन में ये फसलें लगभग फूल आने के संदर्भ में हो जाती है, खासकर सनई ढेंचा। 45 से 50 दिन डे का समय लगता है जिसमें इसमें फूल आने का, और फूल आने से जस्ट पहले ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फूल आने के बाद जब उसमें सीड फॉर्मेशन, फ्लावरिंग ये सब होने लगता है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट का आवश्यकता होती है, तो फिक्स नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी नहीं कर पाता है और उसकी क्वालिटी भी डाउन हो जाती है, तो इसलिए इसमें मिला देते हैं। और इस तरीके से जब आप दलहनी मिलाते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी मिल जाती है, एक तो प्लांट पार्ट से मिल गया, और दूसरा अगर लेग्यूम प्लांट है तो आप लोग जानते हैं कि वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम भी करता है, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स कर देता है, इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है। और अगर नाइट्रोजन फिक्स हो गया उसके साथ साथ कार्बन पदार्थ भी हो गया तो इससे सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी सुधर जाती है और खास खास सॉइल में अच्छा एक न्यूट्रिएटिव स्टेटस भी हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है, तो एक पॉइंट इसमें ये भी हो जाता है। अगला होता है कि इसमें अगर हम बात करते हैं कि एनपीके की बात करते हैं कि कितना मात्रा में इसमें एनपीके मुख्य तौर पर रहेगा, तो एक तो आपको बता दिए कि FIM में और एनिमल मैन्योर में, इसमें होता क्या है, इसमें प्रमुख तौर पर जो हरी खादें हैं उसके प्लांट पार्ट, इसमें दो तरीके से होगा, एक तो ये होता है कि कितना मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स किया वो लेग्यूम क्रॉप, और दूसरा उसके प्लांट पार्ट कितना मिलता है, तो उसमें नाइट्रोजन 0.6% और बेटा इसमें नाइट्रोजन कितना होगा 0.6%, फॉस्फरस कितना होगा 0.2% और इसमें पोटास कितना होगा 0.6%। तो NPK ये तीनों आपको इसमें प्रमुख तौर पर मिल जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये मुख्य तौर पर इसमें मिल जाता है। किससे मिलता है, इसके प्लांट पार्ट के द्वारा प्राप्त होता है, ये चीज़ हो गई। और आगे एक वीडियो स्पेशल हम ग्रीन मैन्योरिंग पर बनाएंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे। इसके बाद बेटा आपका अगला इसमें जो टर्म है वो है कंपोस्ट का, कि कंपोस्ट किसे कहते हैं, मतलब क्या ये आप कह सकते हैं कि जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें वायुजीवी या अवायुजीवी दोनों प्रकार के एरोबिक और एनोरोबिक जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर खाद तैयार किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट में सभी प्रकार के जैसे फसलों का अवशेष है, घर का निकला है, कूड़ा करकट है, और इसके साथ ही साथ इसमें उसके बाद पशुओं के नीचे का बिछा मन गोबर, सब कुछ एक साथ करके उसको जब सड़ गल करके तैयार होता है तो उसको हम कंपोस्ट। अब कंपोस्ट दो प्रकार का होता है, अगर शहर में तैयार होता तो उसको हम शहरी कंपोस्ट, मतलब अगर शहरी कचरा के द्वारा हुआ तो शहरी कंपोस्ट, और अगर फार्म पर तैयार हुआ या फार्म के जो भी
या पदार्थ हैं जो भी अपशिष्ट पदार्थ उनके द्वारा तैयार किया गया तो उसको फार्म कंपोस्ट कहते हैं। तो इसमें बेटा दो प्रकार का हो गया, एक आपका शहरी और एक आपका होगा कि ग्रामीण, या उसको हम फार्म कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार से इसमें आ जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे ही डिटेल में मैं बता देता हूँ, एक वीडियो में अलग अलग बनाऊंगा कि कंपोस्ट और उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर अलग अलग बनाऊंगा। तो अभी आपको डिटेल में ऑर्गेनिक मैन्योर बता रहा हूँ। इसको बनाने की अलग अलग विधियाँ हैं, जैसे विधि आपका एडको मेथड। कौन सा है? एडको, एडको मेथड या एडको विधि के द्वारा भी आप कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसमें 1921 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक, जो एडको एक जगह थी वहाँ पर, या एडको सॉरी एडको एक पाउडर था, एडको पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया गया। उसके बाद में एक आपका इंदौर विधि। कौन सा बेटा? इसमें इंदौर विधि, अच्छे से आप लोग दिख रहेगा क्या बेटा? इंदौर विधि। तो ये भी इंदौर में इंस्टीट्यूट में इसको 1924 से लेकर के 1931 के बीच में इसको प्रमुख तौर पर चलाया गया। और इस विधि में कंपोस्ट को बार बार पलटने की आवश्यकता होती है। अगला होता है बंगलोर विधि। बंगलोर विधि उसका नाम से ही है, एडको, इंदौर और फिर आपका क्या है, बंगलोर विधि। तो बंगलोर विधि भी इस तरीके से, ये भी तो इस तरीके से। बंगलोर विधि किसने दिया था? सीएन आचार्य ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि का उन्होंने कह सकते हैं कि आप शुभारंभ किया था। ये विधि है। एक आपका इसमें और है नेपेड विधि। क्या बेटा? नेपेड विधि। इस विधि के द्वारा भी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ये भी कंपोस्ट तैयार करने की विधि है। तो ये सब कंपोस्ट तैयार करने की विधियाँ और कंपोस्ट के बारे में। अगला होता है बेटा यहाँ वर्मी कंपोस्ट। क्या है? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को केचुए की खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? केचुए की खाद। कि जो केचुआ खा करके जा करके जो अपशिष्ट जो उसको मल के रूप में तैयार देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। जैसे केचुए द्वारा गोबर की खाद या जो भी अन्य कृषि के अपशिष्ट या जो भी जैविक पदार्थ या इस सबको अगर वो कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसी को हम कंपोस्ट कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या? वर्मी कंपोस्टिंग, सॉरी वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। सामान्य सा जानो इसमें कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको केचुआ खा करके जा देता है, उसको फिर मल के रूप में त्याग कर देता है। जो उसका मल होता है उसी मल को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये चीज भी बेटा यहाँ पर आपको क्लियर हो सकता है। अगला होता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो थोड़ा सा आपको और बता दूँ, सॉरी वर्मी कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा सा न्यूट्रिएंट इन सब की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होता है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 2.5 से 3% होता है। इसमें 2.5% से 3% तक इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसमें थोड़ा नाइट्रोजन बड़ा ज़्यादा होता है। इसमें फॉस्फोरस 1% होता है, 1% इसमें P2O5 होता है। इसमें पोटास 1.1% फॉस्फोरस, 1.5% इसमें क्या होता है? पोटास होता है। ठीक है, तीनों नाइट्रोजन 2.5 से 3% तक, फॉस्फोरस 1% तक और पोटास 1.5% तक इसमें मुख्य तौर पर उपस्थित होता है। तो ये चीज भी आप जान सकते हो, खासकर अगर सब्जी की खेती कर रहे हो तो उसमें 5 से लेकर 7.5 टन पर हेक्टेयर की दर से अगर आप उपयोग कर रहे हो तो उसके लिए एक सामान्य उन फसलों के लिए माना जाता है। इसके लिए अलग अलग प्रजातियों के केचुओं का उपयोग किया जाता है। इसका भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे बेटा, तो आपको एक अच्छे से आपको वहाँ पर क्लियर होगा। अगला आपका होता है कि इसमें कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में इसमें जितनी प्रकार की खलियाँ वो खलियों के द्वारा इसको आप हम कह सकते हैं कि खलियों से एक इसका प्रयोग कर लिया जाता है। खाद के रूप में भी इसका मात्रा तो कम होता है लेकिन इसमें तत्व की मात्रा अधिक होती है।
एक होता है ग्वानो, ग्वानो जानते क्या होता है, ह्यूमन बीस्ट, ह्यूमन बीस्ट को हम ग्वानो कहते हैं, या उसको हम नाइट साइल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 13% तक उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ब्लड मिल्क की बात करते हैं, तो उसमें 10% तक लगभग नाइट्रोजन और 1.5% तक उसमें फास्फोरस और 0.8% तक उसमें पोटास का मात्रा होता है। ऐसे मछली का खाद डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे कि इसमें कौन सा तत्व होता है, उसको पूरा डिटेल डाल देंगे। जो मछली का खाद होता है, मछली के खाद में 4-10% तक नाइट्रोजन होता है, 3-9% तक उसमें फास्फोरस होता है, 0.8% तक उसमें क्या होता है, पोटास होता है, ये भी मुख्य तौर पर पाया जाता है। इसमें जितनी खलियाँ होती हैं, जैसे इसमें अरंडी की खली, तो अरंडी की खली में 4.3% उसमें नाइट्रोजन होता है, 1.8% उसमें फास्फोरस होता है, 1.3% उसमें पोटास होता है, तो ये भी प्रमुख तौर पर इसमें। ऐसे जो बिनौला है, बिनौले में भी 4% तक नाइट्रोजन होता है, 1.8% तक उसमें फास्फोरस, 1.6% तक उसमें पोटास होता है। सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन आप कह सकते हैं होता है, वो सामान्य तौर पर वो होता है मूंगफली में, लगभग 7.3% तक उसमें नाइट्रोजन होता है, 1.5% तक उसमें फास्फोरस और 1.3% तक उसमें क्या होता है, पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो ये सब ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में आते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें वल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, और इसमें आपका FYM, एनिमल मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसमें आपका कंसंट्रेटेड ऑयल सीड किट्स आ जाते हैं। ऑयल सीड किट्स में एक आपका इडेबल ऑयल सीड किट और एक आपका नॉन इडेबल, दो प्रकार का आता है। तो सबसे पहले आपको ये जान लीजिए इडेबल और नॉन इडेबल क्या होते हैं। खाद्य खलियाँ, जैसे कि इस वर्ग में खलियों को पशुओं को खिलाने के काम में लाते हैं, जैसे जो इडेबल में आता है कि पशुओं को खिलाने के काम में, जैसे सरसों, बिनौला, नारियल, तिल, अलसी, तारामीरा, मूंगफली आदि की जो खलियाँ होती हैं, ये सब पशुओं को खिलाने के लिए। नॉन इडेबल ऑयल के मतलब जो अखाद्य भाग होता है उसको नॉन इडेबल केक के नाम से जानते हैं। इसमें अलग अलग इसके अंतर्गत वह खलियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं जिनमें पशु खाना पसंद नहीं करता है। इसमें जैसे आपका महुआ है, जैसे आपका कुसुम है, जैसे अरंडी है, जैसे नीम की खलियाँ हैं, ये सब पशु इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आपको ये नॉन डेबल ऑयल सीड किट्स के रूप में माने जाते हैं। तो ये आपका दो प्रकार का डेबल और नॉन डेबल, मतलब खाद्य खलियाँ और अखाद्य खलियाँ, दो प्रकार का इसमें